नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ आप लोगों को। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। मैं आज एक बहुत ही पावरफुल एंड बहुत ही इफेक्टिव सेफ एंड श्योर एक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है पेयर ट्रेडिंग। तो पेयर ट्रेडिंग क्या होता है मैंने इधर आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। टू हाईली कोरिलेटेड स्टॉक्स विच हैव कोरिलेशन कोएफिशिएंट मोर देन 90% कैन बी यूज ट्रेडिंग इन साइमल्टेनियसली एज पेयर एज हेजिंग मैकेनिज्म। सम स्टॉक्स हैव हाई कोरिलेशन बिटवीन देम, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे मूव साइमल्टेनियसली, समटाइम्स दे मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, देन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अराइजेस। द स्टॉक विच स्टॉक इन द पेयर विच इज इन द बाय साइड और गेंड हायर बाय साइड और गेंड हायर और लूज्ड लेसर हैज टू बी सोल्ड, एंड द अदर विच इज ऑन द सेल साइड और गेंड लेसर और लूज्ड हायर हैज टू बी बॉट। अगेन दे विल कम क्लोजर, देन प्रॉफिट विल बी अर्नड। कैन बी यूज इन इंटरडे एंड डिलीवरी इन फ्यूचर विथ सुइटेबल स्टॉप लॉस और क्वान्टिटी एडजस्टेड टू सेम लेवल एज द प्राइस डिफरेंस। थ्री सीनरियस में अराइज, द वन विच हैज बीन सोल्ड कैन बी मूव अप कैन मूव अप एंड वन विच हैज बीन सोल्ड ऑल्सो मूव्स अप एज दे आर कोरिलेटेड, देन प्रॉफिट विल बी मेड फ्रॉम द बाई साइड ड्यू टू वोलेटिलिटी एंड प्राइस डिफरेंस एंड डिफरेंस इन स्टॉप लॉस और क्वान्टिटी वॉट एवर मे बी मे बी। द वन विच हैव बीन सोल्ड मूव्स डाउन एंड वन विच हैव बीन बॉट ऑल्सो मूव्स डाउन, प्रॉफिट विल बी मेड फ्रॉम सेल साइड। द वन विच हैज बीन सोल्ड विल मूव डाउन एंड द अदर विच हैव बीन बॉट विल गो अप एज दे हैव ए टेंडेंसी टू कम क्लोज टूगेदर, प्रॉफिट विल बी अर्न फ्रॉम बोथ साइड्स। द ट्रेड्स कैन बी एग्जीक्यूटेड विथ प्रॉपर बाय सेल लेवल्स द बेटर, विच वन स्टॉक बी बॉट विथ प्रॉपर बाय सेल बाय लेवल एंड अदर साइड विल बी सोल्ड, व्हाट एवर द सी एम पी इज द बेटर दिस व्हाट एवर द सी एम पी इज देन बेटर रिजल्ट विल बी अराइज्ड एंड वाइसी वर्सा। देन द रिजल्ट विल बी अचीव्ड। तो आप लोग को इधर मैंने दिखाता हूँ, देखिए मैंने इधर मेरा चार्ट में कुछ मतलब जिसमें सभी स्टॉक्स में ऐसा नहीं होता है, जिस स्टॉक्स में हाईली कोरिलेटेड है वही ये इसका नेचर है, उसका कैरेक्टर है कि ये सेम साइड में जाएगा, एक साथ मूव करेगा। तो इधर देखिए ओम्बुजा सीमेंट, ओम्बुजा बजाज फिनसार जो 90% के ऊपर है, HPCL, BPCL, इंडिया बुल हाउसिंग फिनांस और फार्मा, ये सब स्टॉक्स आप लोग मेरे फाइल में मिल जाएगा, प्लस बाय सेल लेवल्स भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये देखिए इधर मैंने OCC और ओम्बुजा का मैंने लगाया, और ACC जो ओम्बुजा सीमेंट है वो नीला वाला है और ये कैंडलस्टिक्स में है। देखिए इधर पहले जो मार्केट ओपन हुआ था 5 मिनट में चार्ट लगाया, ये दोनों में डिफरेंस है, डिफरेंस है, इसमें आप लोग हम लोग ट्रेड ले सकता है। इसको जो ऊपर गया मतलब अंबुजा जो ऊपर गया था उसको मैंने हम लोग बाई कर सकता है, जो नीचे गया था सॉरी इसको सेल कर सकता है, और जो नीचे गया है अंबुजा सॉरी ACC उसको हम लोग बाई कर सकता है। तो देखिए इस पॉइंट में ये दोनों नज़दीक आ गया, मैंने 5 मिनट का चार्ट लगाया, तो इसमें क्या हुआ इसको हम लोग बाई किया था जो ऊपर गया था, जो नीचे गया था इसको सेल किया था और इसको बाई किया था, तो ये नज़दीक आया, ये हम लोग को दोनों साइड से प्रॉफिट हो गया। सोच लीजिए दोनों एक साइड मूव कर रहा है तो भी चलेगा, क्योंकि ये दोनों एक साइड में जब ये नीचे आएगा तो देखिए ये भी नीचे आएगा, तो ये कम आएगा वो ज़्यादा आएगा, तो इसमें से हम लोग को प्रॉफिट होगा। तो सोच लीजिए ऊपर गया तो ये जो बाई किया है उसमें से हम लोग को प्रॉफिट आएगा। हम लोग को क्या करना है, सोच लीजिए ओम्बुजा और ACC का जो डिफरेंस है, सोच लीजिए ACC का प्राइस है 1500 और इसका अंबुजा का है 200, तो उसको हिसाब से हम लोग को स्टॉप लॉस और या क्वांटिटी हम लोग रख सकता है। सोच लीजिए आप 20 क्वांटिटी अंबुजा लेंगे तो आपको सॉरी 20 क्वांटिटी ACC लेंगे तो आपको 100 क्वांटिटी मतलब अंबुजा सीमेंट लेना पड़ेगा, नहीं तो स्टॉप लॉस इसका हिसाब से रखना पड़ेगा कि आप अंबुजा सीमेंट में एक पॉइंट स्टॉप लॉस रखेंगे तो